हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस दिलचस्प चैनल जिसका नाम है चेस खड़गपुर। तो बायोग्राफी के सेकेंड एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मशहूर चेस प्लेयर के बारे में जिनके नाम पे रॉयल पेज ओपनिंग आधारित है, रोड्रिगो लोपेज डे सिगुरा, जिनको हम रॉयल पेज के नाम से जानते हैं। सन 1530 में उनका जन्म स्पेन के एक शहर में हुआ था। बचपन से ही रॉयल पेज काफ़ी होशियार थे और काफ़ी होनहार थे। उनके मन में बचपन से ही एक ही विचार था कि वो प्रिस्ट बने, यानी कि एक पादरी। तो ये उनका एक सपना था कि वो किसी तरह से पादरी बन जाए। सन 1569 साल में पोप पियूष IV के बुलाने पर वो इटली के रोम चले गए थे और वहाँ उसी वक्त वहाँ लोगों के साथ वो शतरंज खेलते हुए अपनी खेल में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ बना चुके थे। इसके बाद वो स्पेन लौटकर वहाँ पे अपने शतरंज को जारी रखा। वहाँ के राजा फिलिप तृतीय ने उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें सोने का रूप वाला एक नेकलेस प्रदान किया। रॉयल पेज ओपनिंग में जितने भी वेरिएशन थे उनका पूरा श्रेय रॉयल पेज को ही जाता। स्पेन के राजा ने दुनिया का सबसे पहला शतरंज का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जहाँ 4 खिलाड़ियों के साथ उनका गेम हुआ और इटली के 2 इंटरनेशनल मास्टरों के साथ उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी रॉयल पेज लगातार 20 साल तक स्पेन के चैंपियन रहे। सन 1580 में ये महान खिलाड़ी हमें छोड़कर चले गए, तो अगली बार जब भी आप रॉयल पेज ओपनिंग खेले तो इस महान खिलाड़ी को एक बार जरूर याद कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।